मैं उगीशा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मालपुए की रेसिपी। मालपुआ बेसिकली हम होली के फेस्टिवल पे बनाते हैं। मालपुआ कई सारे लोग मैदे के आटे से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो गेहूं के आटे से बनाया है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और अभी तक जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मालपुड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम घी, और हमें चाहिए एक चम्मच मूंग दाल का पाउडर, एक चम्मच सौंफ का पाउडर यानी कि वरियारी पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर और आधा चम्मच जायफल का पाउडर। सबसे पहले एक बाउल में हमें ये गुड़ ले लेना है। अब इसमें मैं ये एक गिलास जितना पानी डालूंगी, ये तकरीबन 200 ml जितना पानी है। इसे हमें आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। गुड़ को पानी में रखने से गुड़ जो है सॉफ्ट हो जाएगा। आधे घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो काफी सारा गुड़ है वो पानी में गल गया है, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े बचा है गुड़ के, इसे हम ऐसे प्रेस करके पानी में मिला देंगे। हमें गुड़ का पानी चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अगर आपको कभी कई बार इंस्टेंटली गुड़ का पानी बनाना हो तो गुड़ को अच्छी तरह नाइफ से छोटा छोटा कट कर करके आप इसे पानी में मिक्स करके गुड़ का पानी बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो पानी है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ये हम हमारा गेहूं का आटा डालेंगे। आटे को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ डालने से इसमें काफ़ी सारे लम्स पड़ जाते हैं। इसे हम ये हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसे थोड़ा और आटा डालेंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा करके ही आटा लेना है। इस बैटर को हमें डोसे के बैटर की तरह बनाना है। ये डोसे के बैटर से थोड़ा ही गाढ़ा होना चाहिए। मिलाते रहेंगे इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंग का पाउडर। ये मूंग का पाउडर डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए, लेकिन इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है तो मैंने इसमें ये डाला है। ये मैंने मूंग दाल को मिक्सी में पीस कर तैयार किया था। अब डालेंगे ये सौंफ का पाउडर यानी कि वरियारी पाउडर, ये इलायची पाउडर और ये जायफल का पाउडर। सौंफ के पाउडर से जो मालपुए का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। हमें बिल्कुल ही ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर ही रखना है। ये देखिए, अब चलते हैं हम अगली प्रोसेस में। मैंने यहाँ गैस पे एक पैन को गर्म करने के रखा है। इसके लिए हमें ऐसा फ्लैट पैन का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ये घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ये जो हमारा बैटर था वो इस तरह से डालेंगे। ये अपने आप ही थोड़ा सा फैल जाएगा अंदर। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, हल्का ब्राउन कलर का होने तक। ऐसे घी छिड़कते रहेंगे ऊपर से। एक दो मिनट के बाद हम इसे ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमें हल्का ब्राउन कलर का होने तक पकने देना है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन कलर का होने तक भी पकने दे सकते हैं। निकाल लेंगे एक प्लेट में इसे। इसी तरह से हम दूसरा मालपुड़ा भी बना देंगे। मालपुड़ा एक्चुअली मैदे और चीनी से भी बनता है, लेकिन जो मैदा है वो हमारे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ये व्हीट वाला मालपुड़ा की रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। ये हम आटे से बनाते हैं तो इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी मत नहीं पका सकते, क्योंकि जो आटा है वो अच्छी तरह से पकना भी चाहिए। एक दो मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे।
ये देखिए, ये मैंने अगले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कलर का होने तक रखा है। इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे मालपुए बना लेंगे। पहले ये देखिए, हमारे जो सारे मालपुए हैं बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।